तो यहीं पे लगा दें, पिक्चर बना लीजिए। कमाल रशीद साहब सबको इंट्रोड्यूस करा रहे हैं, और वो लोग जो कि कोविड की वजह से हमने चार साल के बाद हो रहा है, तीन साल तीन महीने दो दिन के बाद हो रहा है। और ये ब्रंच गपशप जो है ये एक बहुत लाइवली हुआ आज यहाँ पे, और माशाल्लाह सब खुश हैं यहाँ पे सब लोग मिलने के बाद। तो दिल अपना पाकिस्तान भी आप सबको वेलकम कहता है यहाँ पे, और ये इनकी काविशें हैं हमारे कमाल भाई की, और ये हर जो काम करते हैं कमाल करते हैं। तो बिल्कुल स्लोगन आपको पता है, उसका स्लोगन है आइए लाइए खाइए लाइए और जाइए, आइए लाइए खाइए मुस्कुराइए। बिल्कुल, अरे दूल्हा मियां जो है ना वो कमाल भाई। हाँ बिल्कुल, ये तो दूल्हा मियां बिल्कुल पक्की बात। और ये कौन है? ये चले अब इनका केक कर रहे हैं, और सब आप सब लोग अपनी पूरी भरपूर आवाज से हैप्पी बर्थडे का हैप्पी बर्थडे दो ट्वेंटी का है।
जी नाज़रीन ब्रंच गपशप में ख्वातीन को एक मौका मिला यहाँ पे कड़े कानों के बूंदे कलेक्शन के ओर से हैं। क्वींस कलेक्शन फ्रॉम कनाडा। अच्छा, क्वींस कलेक्शन की तरफ से हैं ये। बिल्कुल, ये माशाल्लाह हर चीज जो है ये देखें अपने ट्राई किए जा रहे हैं। जरा दिखाइएगा माशाल्लाह। ओहो, ये देखें, हाँ ये देखें, ये माशाल्लाह। जहाँ पे ख्वातीन जमा हो जाएं वहाँ पे चूड़ियाँ ना हो, कपड़े ना हो और फैशन ना हो, तो ये तो बहुत जबरदस्त है माशाल्लाह। तो आप कुछ बोल रहे हैं यहाँ पे आगे? तो ये नाज़रीन ख्वातीन की बाइंग और ये सेलिंग जो है ये एक फन है और ये बहुत अच्छा लग रहा है यहाँ पे, ये बहुत अच्छा लग रहा है। आप तलत भाई की चूड़ियां तो देख लें, माशाल्लाह कितनी अच्छी चूड़ियां ली हैं। और ये देखें, मैं बोलिए, इसमें कोई शक नहीं है, वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। हाय, माय नेम इज मलीहा, आई एम अ मेकअप आर्टिस्ट फॉर एनी काइंड ऑफ मेकअप, एनी ओकेजन मेकअप, पार्टी मेकअप, ब्राइडल मेकअप। यू कैन कॉन्टेक्ट मी एट 236-880-5058 anywhere in Surrey, Delta, Newton, Vancouver. दिल से गवा दस्त, ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है, ये जान हमारी है। वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। नाज़रीन, आज मेरे साथ नुसरत हुसैन और वसीम कादरी साहब हैं। अभी हम इनसे दिल अपना पाकिस्तान में एक डिस्कशन करेंगे पाकिस्तान के हालात के बारे में। तो आप जरूर हमें अपनी आरा से मुतला कीजिएगा और इंशाल्लाह हम इसी तरह के प्रोग्राम और लाते रहेंगे। देखते रहिए वैंकूवर की जान, दिल अपना पाकिस्तान। जहाँ जुल्म हो और अमन भी ना हो, अमीर की बगल में तेसाए कत्ल हो, कत्लगाह भी उसकी अपनी हो, नोश्ताए निज़ाम नौ की नबीद हो, ये बात मुमकिन कहाँ से हो, ये निज़ाम खात्मे के करीब है। नाज़रीन, दिल अपना पाकिस्तान के साथ इंतखाब अहमद, आज ब्रंच कप में, गपशप में हम शामिल थे और हमारे मेहमान वसीम काजी और नुसरत हुसैन। नुसरत हुसैन साहब से कौन वाकिफ नहीं है, बीसी में इनकी जो इब्तदा है मेडिकल के नाम से, इन्होंने जो अपना अखबार चलाया, ये इसके पायनियर हैं। हम इनसे बात करेंगे पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी के मामलात पर, और साथ साथ हमारे सवाल जवाब काजी साहब से भी होंगे। वेलकम टू दिल अपना पाकिस्तान। थैंक यू आपको भी वेलकम। पहली दफ़ा आप आ रहे हैं, इंशाल्लाह आप कंफर्टेबल फील करेंगे हमारे साथ बात करने के लिए। जो हमारा मकसद है पाकिस्तान के सियासी और समाजी और सिक्योरिटी के हालात जो हैं उस पर हम ओवरसीज पाकिस्तानी जिस तरह से रिएक्ट कर रहे हैं, हमारे दिल जानते हैं कि हमें पाकिस्तान की सिक्योरिटी बहुत अजीज है और हम और वो सिक्योरिटी के इदारे जो पाकिस्तान की सिक्योरिटी में मुखलिस हैं, हम उनको भी सपोर्ट करते हैं। तो नुसरत हुसैन, आप मेरा सवाल यही आपसे होगा कि पाकिस्तान की सियासी और सिक्योरिटी की सूरत हाल दिगर गुम होती जा रही है, आप इस पर कुछ हमारे नाज़रीन को बताना चाहेंगे?
देखिए पाकिस्तान एक ऐसा मुल्क है कि जो स्ट्रेटेजिकली दुनिया के लिए बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इसके बॉर्डर जो हैं वो अफगानिस्तान से मिलता है, ईरान से मिलता है, चाइना से मिलता है, इंडिया से मिलता है। तो ये एक ये सारे जो मुल्क ममालिक हैं पाकिस्तान के, ये बड़े इम्पोर्टेंट कंट्रीज़ हैं और इसके ऊपर अमेरिकन इंटरेस्ट बहुत है इन मुल्कों के अंदर। तो पाकिस्तान अमेरिकन का एक बहुत बड़ा एलाई रहा है, शुरू दहशत गर्दी के ख़िलाफ़ जो जंग लड़ी गई थी उसके अंदर पाकिस्तान का बड़ा अहम रोल था, तो उस लिहाज से था। लेकिन इस वक्त पाकिस्तान के हालात जो हैं बेसिकली एक पॉलिटिकल अनरेस्ट है, जिसकी वजह से एक गवर्नमेंट है इस वक्त कोई 13 और 14 जमातें हैं जिन्होंने एक गवर्नमेंट बनाई हुई है, PDM जो है पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट, और उन लोगों ने अपोजिशन में सिर्फ एक आदमी है और वो एक आदमी है इमरान खान और उसकी पाकिस्तान तहरीक इंसाफ जो उसकी पार्टी है। उसे इमरान खान का दावा ये है और अब तो चीज़ें ऐसे खुल के सामने आ रही हैं कि एक लॉजिकल सेंस बनता जा रहा है कि एक रिजीम चेंज ऑपरेशन के जरिए इमरान खान की गवर्नमेंट गिरा दी है, और इमरान खान कहता है कि इस रिजीम चेंज में अमेरिका इन्वॉल्व है। और अमेरिकन हिस्ट्री अगर आप देखें तो अमेरिका की हिस्ट्री है कि इन्होंने अगर आप देखें क्यूबा के अंदर भी कोशिश की, लैटिन अमेरिका में देख लें, फिर मिडिल ईस्ट के सारे ममालिक देख लें, अफगानिस्तान देख लें, और इराक के अंदर तो यहाँ तक हुआ कि वो वेपन्स ऑफ मास डिस्ट्रक्शन के एक बहाना बना के चले गए और जो नहीं मिले और कोई वो बाद में माफ़ी भी मांगनी पड़ी, लेकिन उस दौरान में कोई 1 मिलियन लोग जो हैं वो अपनी जाने दे के। तो बहरहाल इस वक्त पाकिस्तान की सिचुएशन जो है वो ये है कि एक इमरान खान एक ऐसा लीडर आ गया है पाकिस्तान में कि जिसने इन तमाम जितने भी ये स्टेक होल्डर्स हैं, जिसमें आप कह सकते हैं कि 13 की 13 जो पोलिटिकल पार्टीज हैं वो हैं, और उसके अंदर ब्यूरोक्रेसी है, उसके अंदर आपकी इस्टेब्लिशमेंट है, इस्टेब्लिशमेंट के साथ साथ फौज के बारे में बड़ा एक दिल को दुख होता है देख के कि इस किस्म की बातें हो रही हैं इस वक्त मुल्क के अंदर, जहाँ पे फौज की इन्वॉल्वमेंट हमेशा रही है ये तो हम जानते हैं। जी नसर भाई, आपने ये बात कही और मुझे कुछ मैं फ्लैशबैक हुआ भी कि PNA के नाम से एक मूवमेंट भुट्टो के खिलाफ भी खड़ी हुई थी, और वो PNA में तकरीबन इन्हीं लोगों के बुजुर्गवान थे जिन्होंने पाकिस्तान की भुट्टो का जो भी रहा हो सियासी किरदार पाकिस्तान के मामलात में, लेकिन फिर भी उसे भी तोड़ने के लिए ये PNA की मूवमेंट बनाई गई। तो ये जो पीछे जो एक डायरेक्टर्स हैं जो पाकिस्तान में सियासी हलचल मचाते हैं, और वो इतनी होती है कि हम मैं अभी एक सर्वे देख रहा था कि हम 1980s में हमारी GDP सबसे ज़्यादा थी, चाइना से ज़्यादा थी, इंडिया से ज़्यादा थी, बांग्लादेश से ज़्यादा थी हमारी GDP, तो अब हम इतना कैसे नीचे चले गए हैं, क्या ये कर्जे लेकर इनको बाहर जमा कराया गया है वो जो पाकिस्तान में नहीं लगे, डेवलपमेंट नहीं हुई, इसके बारे में ज़रा बात कीजिए। देखिए पाकिस्तान के अंदर जो गवर्नमेंट्स रही हैं पहले, जिसके अंदर वैसे तो पाकिस्तान में 30 साल मार्शल लॉ रहा है, 35 साल, और इसी तरह 30 साल सिविल गवर्नमेंट्स रही हैं। तो जो हमारी पिछली गवर्नमेंट थी जो में पीपल्स पार्टी की गवर्नमेंट है, जिसमें पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की जो कि नवाज शरीफ साहब की पार्टी है उनकी गवर्नमेंट रही है, तो उसमें जो एक इल्ज़ाम सबसे बड़ा लगता है कि जितनी गवर्नमेंट्स भी गई हैं ये करप्शन के ऊपर गई, क्योंकि ये लोग कमीशन लेते थे बाहर से, जो कर्जा लिया उसके उसमें कमीशन होते थे, जो किकबैक्स की होती थी, जो सड़कें बनती थी उसमें, तो उसमें कहा यही जाता है और एक पॉपुलर बिलीफ है ये तो इस्टेब्लिश हो चुका है, दो औरतों के कोर्ट्स वगैरह में से कहीं से भी लोगों को सजाएं नहीं हुई उस तरह, लेकिन ये तो एक बड़ी जानी मानी हकीकत है ना कि ये करप्ट गवर्नमेंट्स थी। आप अगर इस सिचुएशन को देखें जो आपने एक्सप्लेन किया वो तो 100% दुरुस्त है, लेकिन आप ये देखिए कि पाकिस्तान की स्ट्रेंथ जैसे उन्होंने बताई कि एक ज़माने में GDP इन कंट्रीज से ज़्यादा थी, पाकिस्तान की जो पोजीशन स्ट्रेंथ थी 71 से जो डिटोरिएशन शुरू हुई है जब से
भुट्टो गवर्नमेंट आई, भुट्टो ने आके गवर्नमेंट पॉलिसीज, नेशनलाइजेशन पॉलिसीज, जो फार्मास्यूटिकल पॉलिसीज, जो बैंक की नेशनलाइजेशन, स्कूल्स का नेशनलाइजेशन, वो टोटल स्ट्रक्चर पाकिस्तान का जो प्रोग्रेसिव था उसको हॉल्ट कर दिया और उसको डाइवर्ट कर दिया। उसके बाद से आप देखिए कि पाकिस्तान उठा नहीं है, पाकिस्तान बराबर नीचे ही की तरफ आता रहा है। बज़ाहिर बांग्लादेश हमसे अलहदा हो गया, बांग्लादेश के अलहदा होने के बाद आपने देखा कि यही गवर्नमेंट, पहले भुट्टो साहब एक सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर की हैसियत से उन्होंने टेक ओवर किया, सिविलियन मार्शल लॉ एडमिनिस्ट्रेटर के बाद उन्होंने एक रोटी कपड़ा और मकान का नारा दिया था, उस नारे को बिल्कुल टच तक नहीं किया। उन्होंने ये जरूर किया कि रोटी कपड़ा मकान खत्म कर दी गरीबों से, उनसे छीन ली। और वही पीपल्स पार्टी आज उसी दौर को लेके आगे बढ़ रही है। तो इस पीपल्स पार्टी का भी हमें तजर्बा है, नवाज शरीफ की पार्टी का भी तजर्बा है कि पाकिस्तान के साथ उन्होंने क्या किया। ये तमाम ने मिलकर, ये जो आपका फजलुर रहमान है उसको देख लीजिए आप, सियासी मजहबी जमात, इन्होंने सब ने, इवन अभी जो हालात हुए हैं, अभी जो बम धमाका हुआ है उसमें ये फजलुर रहमान का तो कोई स्टेट बैंक तक नहीं आया है, अब के उसमें कंडोलेंस का कोई दो अल्फाज को बोले। तो आज इन लोगों ने ऐसा दौर अपनाया हुआ है और इस तरीके से वो चल रहे हैं कि गवर्नमेंट बज़ाहिर एक ग्रुप बना हुआ है लेकिन ये माफिया से बढ़कर ग्रुप है, और जो पाकिस्तान के लिए बिग डैमेजेस कर रहा है। सिर्फ इनका हदफ जो है इमरान, इमरान को भाग कर दो, इमरान को निकाल दो, हालांकि वो कोई कंस्ट्रक्टिव पॉलिसी लाने के मूड में नहीं है, कोई इलेक्शन कराने के मूड में नहीं है। अगर पाकिस्तान की बका चाहते हैं तो कोई पॉलिसीज को चेंज तो करें, मेरे नज़र में तो आपकी बात बिल्कुल सही है। उसी लकीर को पीटे जा रहे हैं क्या, जो कर्जे लेने, बाहर से कर्जे लेने और उन कर्जों से वो देना, क्या कहते हैं, कर्जों की डेट सर्विसिंग करनी, और उसके अलावा कोई प्रोटेक्शन नहीं है। नज़र भाई, अगेन वो सिक्योरिटी की सिचुएशन पे मैं दोबारा आता हूँ इस बात पे कि जब इमरान खान की हुकूमत थी तो बड़ी मुश्किल से सिक्योरिटी को बहाल किया गया पाकिस्तान में। उस जैसे पहले हर माह दो चार पांच धमाके होते थे पूरे मुल्क में बड़े पैमाने पे, जैसे ही इमरान खान गए हैं, वो गवर्नमेंट गई है, तो ये गवर्नमेंट आने के बाद फिर धमाके शुरू हो गए। मुझे तो लगता है कि इनका कोई नैरेटिव है कि सिक्योरिटी के नाम से बाहर के मुल्कों से, यूरोप, अमेरिका, कनाडा से या और मुल्कों से इमदाद लेना कि हमारे मुल्क में टेररिज्म हो रहा है, एक टेररिस्ट दिखा के उस पर इमदाद लेना, या अपने ये जो अभी सैलाब आया है सैलाब को मुतासरीन दिखा के इमदाद लेना, क्या पाकिस्तान का यही रह गया है एक फेस, जो इमदाद लेने का फेस रह गया है, इस पर ज़रा बताइएगा। आपके सवाल में दो चीज़ें ना, एक तो आपने सिक्योरिटी का वो बोला है जी, तो सिक्योरिटी का मेरा नहीं ख्याल है कि ये हमारी पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं वो इस किस्म का वो किसी काम में इन्वॉल्व होंगी कि जहाँ पे खुद ऐसे बम बना के कराएँ, क्योंकि अगर आपको याद हो तो वो जो जरबुल हजरत और जो रद्दुल फसाद, ये जो पहले ऑपरेशन हुए थे जिसमें दहशतगर्दी पर काबू पाया गया था, तो उस ज़माने में नवाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट थी, तो जो दहशतगर्दी है वो तो तमाम हमारे जितने भी स्टेक होल्डर्स हैं, मेरा नहीं ख्याल है कि कोई भी पॉलिटिकल पार्टी ये चाहेगी तो इस किस्म के दहशतगर्दी के उनमें मुलव्वस हो, लेकिन ये इन लोगों की एफिलिएशन होती हैं, दे आर रिलीजियस ग्रुप्स, एक्सट्रीमिस्ट राइट विंग जो है उनके अपने होते हैं, तालिबान के साथ, इवन इमरान खान को तालिबान खान कहा जाता था क्योंकि इमरान खान की फिलासफी ये थी कि तालिबान के साथ मुज़ाकरात करें, उनके साथ जंग से मत करें, और अमेरिका की जो जंग थी तो इमरान खान का तो एक कॉन्स्टेंट स्टैंड था इस बात के ऊपर कि आपको अमेरिका की जंग में हमें नहीं हिस्सा लेना चाहिए, लेकिन वो हिस्ट्री ऐसी है कि जिसके अंदर जितनी देर बात करते रहे हैं वो बहुत एक लंबी हिस्ट्री है जिसमें वो किया है, लेकिन हमें आजकल के उस पर फोकस अगर किया जाए तो सारी जो मेरे नज़दीक जो है
इस सारी जो दहशतगर्दी और इसके ये 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 साइड इफेक्ट्स हैं। अगर आपके यहाँ पॉलिटिकल अनरेस्ट है, अगर आपके यहाँ इकोनॉमिकल अनरेस्ट है, तो उसका फ़ायदा जो है इस किस्म की कुवतें जो है वो उठाती हैं। अफगानिस्तान के साथ इस वक्त सबसे बेस्ट इंटरेस्ट होगा आपके दुश्मनों का अफगानिस्तान के, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान की जो है वो आपस के अंदर ताल्लुकात जो हैं वो ख़राब हों। पर जब वहाँ से ताल्लुकात और दहशतगर्दी उधर से भी आती है, अभी जो जैसा इन्होंने बताया कि जो एड आ रही है, एड के बहाने तो नहीं है, मेरे नज़दीक मैं ये समझता हूँ कि धमाका जो है ये टोटली मैनिपुलेटेड धमाका है, जैसे कि ट्रेड सेंटर का धमाका हुआ था। और इसको इस खास मौके पे इसलिए किया गया है कि पब्लिक की अटेंशन को डाइवर्ट करें और एक रीज़न गवर्नमेंट के लिए क्रिएट करें, ताकि वो अपना जो उनका मकसद है इलेक्शन को पोस्टपोन करना, इस गवर्नमेंट में को जाके लोगों के इनके लीडर्स को अरेस्ट करना, ये तमाम चीज़ें एक दहशतगर्दी का फ्लैग माहौल पैदा करके फ्लैग उठा के ये सिंपथीज लें और एक रीज़न डेवलप करें कि हम इसकी खातिर अब हमें ये ड्रास्टिक एक्शंस लेना है। मैं समझता हूँ कि इसके अलावा ये कोई भी बाहर की हुकूमत का या किसी भी एजेंसीज का काम नहीं लगता, सिवाय हमारे अपने कंट्री के जो करता धरता लोग हैं इस वक्त उन लोगों के। मेरे ख्याल है कि आपने एक बड़ा लॉजिकल पॉइंट तो आपका बनता है, लेकिन मेरी जाती राय में आई डोंट थिंक कि हमारे अपने लोग जो हैं वो इसको करेंगे। एक तो सुसाइड बॉम्बिंग थी, नेचुरली टेररिस्ट फंडिंग जो है वो बड़ा इम्पोर्टेंट फैक्टर है जिसमें पैसे दिए जाते हैं, इस किस्म के काम कराए जाते हैं। लेकिन आई डोंट थिंक के, और आपकी बात सही है कि इलेक्शन को ये गवर्नमेंट तो इलेक्शन से ऐसे भाग, दे आर यूजिंग इट अगेन, दे आर थिंकिंग द सेम नेम, वो ऐसे भाग रही है जैसे कि चूहा बिल्ली से भागता है। फजलुर रहमान ने अभी अभी बोला है कि चूंकि इलेक्शन कमीशन को उसने एडवाइस दी है कि ये हालात को मैं पेश नजर रख के फैसला करें। तो व्हाट इज दिस, लेकिन मैं आई विल स्टिल बी इसके ऊपर आई विल गिव अ बेनिफिट ऑफ मनी, इसको समझूंगा कि हमारे मुल्क के ये लोग खुद जो है इस किस्म के धमाके के बाद नहीं। धमाके तो आप बिल्कुल बात सही है, जैसे काजी साहब कह रहे हैं कि वो रीजनिंग दे रहे हैं कि वो जो जैसे जो सियासी मजहबी पार्टियां हैं वो भी इसको इस तरह से यूज कर रहे हैं कि ताकि देखिए एक सेंटिमेंटल पहलू है हमारे मुसलमानों के लिए मस्जिद का इस्तेमाल करना। और फिर आप ये देखिए कि वो खुद बता रही है, पुलिस बता रही है कि उन्होंने फ्राइडे को उसको देखा कि वो आया और यहाँ चूंकि सिक्योरिटी ज्यादा थी वो वापस चला गया। अरे भाई आपके अगर नोटिस आपने किया है किसी शख्स को, दूसरे दिन वो आ रहा है और वो जैकेट आपने देखा है कि वो जो मोटरसाइकिल पे दिखा रहे हैं दो आदमी बैठ के आ रहे हैं, इसका मतलब ये है कि मींस ये समथिंग समबडी यू आर गिविंग अ पाथ टू समबडी इट्स और अपने लोगों के ऊपर, बिकॉज जब आप इस किस्म की हम बात करते हैं पाकिस्तान में मुसीबत क्या है, इस वक्त हर पाकिस्तान को पाकिस्तानी एक दूसरे को गद्दार कह रहे हैं। दिस शुड नॉट बी देयर, पाकिस्तान में रहने वाले पाकिस्तान से गद्दार हो नहीं सकते, ना होना चाहिए उन्हें। इसलिए मैं आई विल जस्ट होल्ड माई सेल्फ हियर, मैं नहीं चाहूंगा कि इसको इतना वो का ओपिनियन, जो हालात आपको नजर आ रहे हैं सामने वो भी आपने उसको मद्देनजर रखना है। खाली ये नहीं देखना है कि जो ये हमको दिखाना चाह रहे हैं हम सिर्फ वो देखें और जो ये हमको समझाना चाह रहे हैं हम वो समझें, हमें भी तो देखना है ना क्या हमारी गवर्नमेंट या जो हमारे जो सिक्योरिटी एजेंसीज हैं उन वो इतनी कैपेबल नहीं रही कि ये इस काइंड की कोई भी प्लानिंग को वो पहले से निशान देकर। देखें ये हमेशा होता है, आपको आपको ये नहीं पता कि उन्होंने कितने जो IBOs कहते हैं इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस जो फौज ने जितने किए हैं और इससे पहले कितने धमाके ऐसे रोके हैं उनकी हमें खबर नहीं है, लेकिन सिक्योरिटी लैप्सेस हर जगह पे होते हैं। 9/11 में क्या हुआ था,
CIA से बड़ी कौन सी ऑर्गेनाइजेशन है और कितना बड़ा सिक्योरिटी लैप्स था। सुसाइड बॉम्बिंग जहाँ पे आ जाए वहाँ पर सिक्योरिटी को इम्प्लीमेंट करना एक बहुत बड़ा टास्क है। उसमें सिर्फ जब तक आपके पास ये IBOs जो थे ना इंटेलिजेंस बेस्ड ऑपरेशंस, वो इंटेलिजेंस आ जाती है कि फलाना आदमी आया है ये तो उस पर, लेकिन जब हो जाए तो ये हो जाती है चीज़ें। इट्स नॉट लाइक दिस के नदीन। हाँ बहुत अच्छा आप ये हमारी डिस्कशन हुई है गाइस साहब से, मिस्टर हुसैन साहब से। मैं ये पाकिस्तान में ज़रूरी होगा कि टाइमली इलेक्शन हो और जो और फेयर फ्री एंड फेयर इलेक्शन हो और हुकूमत जिसकी भी बनती है उसे दी जाए। लेकिन मैं ये लोगों से कहूँगा, ये मेरी अपनी ओपिनियन है कि जो आजमूदा सियासतदान है पिछले 40 साल से उनकी कारकर्दगी भी देखें और पिछले 3 साल की कारकर्दगी भी देखें। देखते रहिए वैंकूवर की जान दिल अपना पाकिस्तान। गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, गिलगित से ग्वादर तक ये धरती हमारी है, ये माँ हमारी है। आपका करता रहता है और आज इनकी बर्थडे है, आज बर्थडे है। कराची में यूटीसी टाइम के मुताबिक एयरलाइन इंजीनियर के हिसाब से बर्थडे पाकिस्तान में हो चुकी है। तो अभी ये अच्छा बॉल, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर एवरीवन कमिंग ओवर टुडे। वी आर रीस्टार्टिंग अगेन आफ्टर 3 इयर्स। हमने री स्टार्टेड इन 2017 एंड नाउ विद गैप ऑफ 3 इयर्स वी आर रीस्टार्टिंग अगेन एंड दिस वन we have so many new guests also. So I like to ask all the new guests who have come today to come one by one, just to introduce them to they are. Would you like to come, please? Please come over. Thank you. तायरा नसीर साहिबा किसी तारुफ के मोहताज नहीं है। ये बहुत दिनों से हर एक को बहुत मजे मजे के खाने खिला रही थी।